उस्मान के लिए भी एक लाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सनम, ऐसी उदास मत बैठो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम भला इसमें क्या कर सकती थी? तुम्हारा नाम इसमें जबरदस्ती शामिल किया गया है। जान को समझाओ। मैंने तुमसे कहा था उस्मान कि मैं मिस्टर जान से कभी झूठ नहीं बोलूंगी, पर क्या हुआ ना, मैंने पहले ही दिन बोल दिया था और मैं उस झूठ से पीछा ही नहीं छुड़ा पा रही। मैं उनसे नजरें ही नहीं मिला पा रही हूँ। मैं उसे सच बताना चाहती हूँ, उससे ईमानदार रहना चाहती हूँ। इतना मतलब ही नहीं बनना मुझे। मैं मिस्टर जान को खोना नहीं चाहती। तुम्हारे सच बताने का अंजाम क्या होगा? तुमने कभी सोचा भी है इस बात को? वो अपने भाई से नफरत करने लगेगा, तुमसे नफरत करने लगेगा, देश को छोड़कर चला जाएगा बाहर। वो अंदर से टूट जाएगा, वो भी सिर्फ तुम्हारी सच बताने की जिद की वजह से। पर मैं ऐसी नहीं। प्यार किया है उसने, तुम्हें एक्सेप्ट किया है सनम। उसका प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ बढ़ता जाएगा। सनम, इन फालतू बातों को छोड़ो, तुम सिर्फ उसके साथ रहो, उसे प्यार दो, वो वही डिजर्व करता है। आगे पीछे और मत सोचो कुछ भी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। और आगे पीछे ज्यादा मत सोचो। पर एमरे ऐसा कर कैसे सकता है? अपने ही भाई के खिलाफ ऐसा कुछ करते वक्त उसे जरा भी कुछ नहीं लगा? सनम, प्लीज उस बदतमीज आदमी का नाम मेरे सामने मत लो, समझी तुम? हाँ ठीक है, यहाँ मुझे छोड़कर सारे स्ट्रेस में है। ओ हेलो जी। ओ इसान, कैसे हो तुम? बस ठीक हूँ ऐसुन, आपकी दुआ है। आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, देखकर आप खुश हो जाएंगी। क्या है ये? इस मोहल्ले के सारे शॉप्स का किराया है। अरे इतनी जल्दी? तुमने सच में मुझे खुश कर दिया। खुश होना बहुत अच्छी बात है, काश मैं भी खुश हो पाता। तुम्हें भी खुश होना चाहिए। क्या हुआ है बताओ तो, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें बोलो ना इसान। मेरी फियांसे के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। कौन से फियांसे? हमने तो कुछ नहीं सुना। अब जाने भी दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ है। इसान तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो, बताओ ना। अब मुझे किसी और से प्यार हो गया है सुन। किसी और से मतलब? आप भी सुनकर मेरे फैसले के खिलाफ हो जाएंगी। प्यार अंधा होता है, क्या करूं? मैं क्यों खिलाफ हो जाऊंगी? ये तो तुम्हारा फैसला है ना। सही कहा, बस आप ही हैं जो मुझे समझ सकती हैं। आपको याद है जब मेरी ग्रोसरी की शॉप थी, आप एक दिन शॉपिंग करने आई? हाँ? उस दिन पहली बार मैंने आपको हंसते हुए देखा था। आपकी ये प्यारी प्यारी आंखें देखने के बाद बस उसके बारे में सोचता हूँ मैं। ओ, वो, अरे मैं तो तुम्हारा शेयर देना भूल ही गई, अभी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, वो इतना जरूरी नहीं था, बाद में मिल जाते, मैं आपका पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। अच्छा वैसे मेरा शेयर 10% है, पर क्या हम इसे 15 कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ पेमेंट्स करने हैं। ठीक है ले लो, ये लो। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल। अब मुझे चलना चाहिए, मुझे जाकर और भी रेंट जमा करना है, पर हाँ मैं लौट कर आपसे मिलने जरूर आऊंगा मेरी हुस्न की परी। यहाँ गुड मॉर्निंग। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बताओ तो। अच्छा हुआ तुम आई। मौसम कितना सुहाना है, एकदम प्यारा सा। आज जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ हाँ, आज कितना शांत लग रहा है, आज ना सुकून लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, सच में कुछ ज्यादा ही शांति है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। कहीं कहीं शादी तो नहीं हो रही? चलो देखते हैं। क्या बात है, आ गया। अपना मोहल्ला का चांद आ गया। मोहल्ले वालों खुशियां मनाओ, मैं वापस आ गया हूँ। मिलिट्री सर्विस पूरी करके मैं एक शेर की तरह वापस आ चुका हूँ। मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। वो देखो सब लोग कितना खुश है मुझे देखकर, है ना? सही कहा ना? नीचे उतारो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे खुशी तुम्हारे रोना आ रहा है। मेरी मॉम कैसी है? आप वापस आ गया, आपका बेटा है। कैसे हो तुम? ये जबरदस्ती इतनी जल्दी कैसे आ गया? अभी तो 3 दिन हुए थे उसे जाकर, ये वहाँ से भाग कर आया है। 100% श्योर हूँ मैं। आगे लेके अगर वो भाग कर आएगा तो बहन भाभी के साथ कोई नहीं वापस आएगा, उसके बाद खाने का। वो देखो कौन आया मुझसे मिलने, मेरी सासू माँ। अब तो सनम पक्का तुम्हारी होकर रहेगी। 3 दिनों में ही आ गया। थैंक यू सो मच। आया है मैडम, मैं वापस आ गया हूँ।
ये देखो कौन है। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम्हारे लेटर की वजह से मैं मिलिट्री सर्विस पूरी कर पाया हूँ। बहुत हिम्मत मिली थी मुझे उससे। अगर वो लेटर नहीं मिलता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। नहीं, मैंने नहीं लिखा था, सब लोगों ने मिलके लिखा था। मैंने तो बस एक सेंटेंस लिखा था ताकि तुम्हारा वक्त जल्दी गुजरे। हाँ, मैंने वो पढ़ा था और जवाब भी देने वाला था, लेकिन तब मुझे पता चला कि मेरे पास 3 किडनी है। हाँ, मेरे पास 3 किडनी है ना कमाल की बात। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सही जरूरत तो समाज को है, तो जाओ यहाँ से। तुम्हें आर्मी से निकाल दिया गया। मुझे निकाल दिया गया? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ भी मत बोलो। तुम्हें पता है मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है। उन्होंने कहा कि जाओ और अपने वतन के लिए काम करो, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं अपनी एक किडनी डोनेट करूंगा। मेरे साथ कहो, ऑर्गन डोनेशन जिंदाबाद। मैं हमेशा सोचता था आयहान बार बार टॉयलेट जाती है और मैं सिर्फ देखी बात क्यों जाता हूँ, लेकिन अब मुझे सब पता चल गया है। कोई बात नहीं, सबके पास 3 ऑर्गन नहीं होते। मैं खुशकिस्मत हूँ, पता है आयहान जब टॉयलेट जाती है तो वो ना। मुझो, मुझो, बस भी करो, तुम जाकर सबसे मिल लो, सब तुम्हारी बातें सुनने के लिए बेकरार हैं। इस पर बाद में बात कर लेंगे। बाद में शॉप पर भी आना। आऊंगा आऊंगा, जरूर आऊंगा आऊंगा मेरे भाई। अब मेरी मिलिट्री सर्विस खत्म हो चुकी है, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना बाकी है और वो है शादी करना। आते ही शुरू है, अपनी बकवास बंद करो। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। रुको सनम, ये देखो तुम्हारे लिए मैंने एक खत लिखा है, पूरे 67 पेजेस का। 67 पेज का? इसमें मैंने अपनी फीलिंग सिंपल तरीके से एक्सप्रेस की है। सिंपल तरीके? तुम इसे आराम से पढ़ो, तब तक मैं सबसे मिलता हूँ। मोहल्ले वालों, मुजफ्फर की याद आई या नहीं, बोलो। ढोल वाले जोर से ढोल बजाओ। ओ गॉड, 67 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। हेलो उस्मान, एहान, क्या हो रहा है यहाँ? वो जबरदस्त आर्मी से लौटा है, लंबी कहानी है। हाय जान, वैसे हमें चलना चाहिए, दरअसल मुझे और एहान को बहुत काम है। क्या हम बात कर सकते हैं? श्योर। अरे आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वो पेपर्स कैसे थे, तुमने कुछ बताया नहीं मुझे। जबरजत ने मुझे लेटर लिखा था। जबरजत ने लेटर नहीं, नॉवेल लिखी लगता है। वैसे लेटर्स, मुझे नहीं पता था तुम्हें लेटर राइटिंग का इतना शौक है, मेरे लिए भी लिखो। मुझे पसंद नहीं, पर आप चाहे तो मैं जरूर लिखूंगी। बिल्कुल, मैं बड़े बेसब्री से तुम्हारे लेटर का इंतजार करूंगा। अच्छा सुनो, सुबह जरा ज्यादा ही बोल गया था मैं, मतलब वो रिंग के मामले में। I'm sorry. मैं भी माफी चाहती हूँ, मुझे पहले बताना चाहिए था। सनम, कोई तो बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। हर प्रॉब्लम को हम मिलकर सॉल्व करेंगे ना? हाँ, मुझ पर इतना तो भरोसा करती हो ना? करती हो कि नहीं? करती हूँ, पर अभी सही वक्त नहीं है, मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, लेकिन ऐसे सैड मत हो ना, फिर मैं भी सैड हो जाता हूँ। ठीक है, प्रॉमिस। Promise. मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, and I'm happy with you, okay? एक और बात, हाँ, हमारी ये सीक्रेट मीटिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई अंडरस्टैंड ऑफिस में क्यों नहीं बताना है, लेकिन कम से कम तुम्हारे पेरेंट्स को तो पता होना चाहिए। मुझे ऐसे मिलना पसंद नहीं आ रहा सच में। वो जान, मैं वक्त आने पर उन्हें खुद बता दूंगी ना? तुम्हारा ये वक्त कब आने वाला मुझे पता नहीं। तुम्हारी मॉम को मैं पसंद हूँ, आई मीन सच में पसंद हूँ, तो अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर लूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व करेंगे मतलब क्या करेंगे? प्लान ये कि मैं मिलकर कहूंगा कि सनम से मैं प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जो मेरी फीलिंग्स है वो मैं बताऊंगा, हम रिलेशनशिप में खुश है ये बताऊंगा, मैं पूरी स्पीच तैयार कर लूंगा, थोड़ा सोच कर रखता हूँ कि क्या बोलना मुझे, क्योंकि वहाँ जाकर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी बात करने का सही समय नहीं है जान, मैं बाद में बात करूंगी। मॉम मुझे मार डालेगी। मिस्टर जान, जान, मिस्टर जान, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं बाद में बात करूंगी उनसे, अभी सही समय नहीं है मिस्टर जान, प्लीज। कौन है? मैं हूँ तुम्हारा प्यारा हस्बैंड। तुम क्यों आए हो निहार? मैं आ जाती खाना लेकर, शॉप में कौन है? रामी के भाई को बिठा कर आया, मैं तुम्हारे हाथों से खाना खाना चाहता था। अरे क्या बना रही हो? तुम बहुत टैलेंटेड हो, सच में कितना अच्छा खाना बनाती हो, मैं खुशनसीब हूँ।
बताओ तो क्या बना रही हो आज? हाँ, आज रात को स्पेशल है। स्पेशल मतलब? हाँ, हमारे लिए तो हर रात स्पेशल होती है। हाँ, लेकिन आज की रात कुछ खास है, इसलिए मुझे कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। ये खाना तो बड़ा लजीज दिख रहा है, खाने का मजा ही कुछ और है। तुम यही रुको, मैं अपने हाथ मुंह धोकर आता हूँ। मतलब ये सब कुछ भूल गया, इसे कुछ भी याद नहीं है। मैं बहुत हर्ट हूँ, मैं रो दूंगी निहार। जान, हाँ। जान आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? तुम देखना मैं तुम्हारी मॉम से कैसे बात करूं। जान एक सेकंड रुको। जान एक सेकंड रुको। जान आप मेरे पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ और मैं अभी करूँगा, तुम बस देखती जाओ। नहीं, बीच में बोलना मत। नहीं नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मिस्टर जान जरूरत पड़ी तो मैं बात करूंगी आप। नहीं, मैं उनसे बात करूंगा और ये हमारा रिलेशन है, उन्हें पता होना जरूरी है तो प्लीज। लेकिन फिर भी ऐसे अचानक? नहीं नहीं प्लीज, उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा प्लीज। अरे मैं उनसे कोई ऐसे तरीके से बात थोड़ी करूंगा, बड़े प्यार से बात करूंगा, उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र करना बंद करो, चलो हटो। नहीं नहीं नहीं, हम पहले बात करेंगे, हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, देखो मैंने बेल भी बजा दी है। अरे ये क्या कर रही है? मैंने बेल बजाई बस। सनम ये क्या कर रही हो? पड़ोसी देख रहे हैं, तुम खुद ही इतनी परेशानी खड़ी कर रही हो, पता है? ठीक है, तो फिर हम सिर्फ चाय पियेंगे और घर से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? वो आ गई। मिस्टर जान आइए ना। मिस्टर जान नहीं, सिर्फ जान कहिए ना। वेल, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्या मिस्टर निहाद घर पर हैं? हाँ वो घर पर ही है, अंदर आइए ना, आइए। तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ। लेकिन आप क्या चल रहा है? लगता है ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं। हेलो मिस्टर निहाद, कैसे हैं? आइए आइए, स्वागत है। आप कुकिंग कर रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बस कुछ खुदगर्ज लोगों के लिए खाना बना रही थी। खुदगर्ज का पता नहीं, पर ये बड़े ही डिलिशियस लग रहे हैं, ये मेरे फेवरेट हैं। काश आपको सर्व कर पाती, पर अभी खाना बन रहा है। बेल के बेल जैसा खाना पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता, मैं दावा करता हूँ। आई एम श्योर अबाउट इट, मुझे भी बुलाना कभी खाने पे, कभी हम बड़े मजे से। हाँ जरूर, आज ही आइए ना खाने पर। श्योर, हमें खुशी होगी। मैं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, हम आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, बस आपसे कुछ बात करनी है। सनम आपको कुछ बताना चाहती है, इम्पोर्टेंट है, तो अच्छा? मुझे लगता है अभी बता देना चाहिए, यही सही वक्त है, इससे पहले कि और ज्यादा लेट हो जाए। मैं खोल देती हूं। हम क्यों ना बाहर फ्रेश ऑक्सीजन ले और फिर आराम से बैठ कर बात करें। हाँ हाँ प्लीज मिस्टर निहाद, मिसेज मैकेवे प्लीज बैठिए, बैठिए आराम से, आ जाइए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस तरफ बैठ जाता हूँ। सनम तुम भी बैठ जाओ ना, यहाँ जगह खाली है। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। आप कुछ पीना चाहेंगे क्या? नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं नहीं, हमें जाना है। अरे सुजान बैठो। बताओ बेटा, क्या तुम बताना चाहते हो? ठीक है, तो शुरुआत मैं करता हूँ। उस दिन जब आप रॉक पर आए थे और हम दोनों साथ में थे, तो आपने मेरे गले पर कुछ देखा था, वो लिपस्टिक के निशान। पर मैं बताना चाहता हूँ कि वो लिपस्टिक के निशान किसी मॉडल के नहीं थे। नहीं थे? नहीं नहीं थे, वो मुझे गलत फहमी हुई थी। हाँ, इसलिए मैं अपने बॉस पर चिल्लाई, लेकिन फिर मैंने उनसे माफी मांग ली थी। क्यों चिल्लाई, क्यों चिल्लाई तुम? इन्हें कोई भी किस कर सकता है, तुम क्यों चिल्लाई? सही कहा। रुक जाओ मेरे, मैं जानना चाहता हूँ कि किसने किस किया था? सनम थी। सनम ने किस किया था? सनम ने। सनम ने? सनम ने किस किया था? हाँ, मेरी बेटी ने। सनम ने। सनम, मिस्टर जान क्या कह रहे हैं? आप यहाँ आकर मुझे बता रहे हैं कि मेरी बेटी ने आपको किस किया? आप जानते हैं, आप जानते हैं क्या बोल रहे हैं? ये मेरा घर है, मेरा गार्डन है, और आप यहाँ आकर मुझसे कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि क्या बकवास है? साफ साफ बताओ क्या चल रहा है यहाँ। हाँ देखो, मैं आपको सब बताता हूँ। वो मेरे सामने आई और उसने मुझे किस कर दिया, वो खुद को रोक नहीं पाई। वो खुद को रोक नहीं सकी और उसने किस किया? हाँ ऐसा ही हुआ था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और हाँ, किस किया। मुझे लगता है कि आप कुछ और कहना चाह रहे हैं। हाँ, उसने किस किया क्योंकि वो हम दोनों बहुत दिनों से आपको कुछ
बताना चाहते थे। सनम और मैं, मिस्टर जान प्लीज मुझे मेरी फैमिली को एक्सप्लेन करने दीजिए। ओके। मैं इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर बन गई हूँ और जब ये खबर मिस्टर जान ने मुझे सुनाई तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था और फिर मैंने खुशी के मारे मिस्टर जान को किस कर दिया। मॉम डैड वो इतनी छोटी सी किस्त थी, एकदम छोटी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मान गए। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो मॉडल्स के साथ बाहर घूमे और पार्टीज करे, नशे करे। मुझे वो पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बारे में कुछ भी ऐसा ख्याल अपने दिमाग में लाएं। हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी बेटी की गलती है, शर्म आनी चाहिए। मैं बोलूं क्या? इसकी गलती है। वैसे हम आपको पसंद करते हैं। थैंक्स। टाइम तो देखिए जरा मिस्टर जान, हमें ऑफिस में जाना है, ऑफिस में मीटिंग है, हम लेट हो जाएंगे, है ना मिस्टर? तुम अभी नहीं जाओगी, तुम बाद में जाओगी, समझी? मुझे तो आपके साथ आना चाहिए, है ना? उसका मेरे साथ जाना थोड़ा जरूरी है। इसे यही रहने दीजिए, समझिए। हम लोगों को बहुत काम है, उसका आना बहुत जरूरी है, हमें उसकी जरूरत है। जाने तो मैं के मिस्टर जान के साथ काम खत्म करो फिर घर आ जाना, बाद में बात करेंगे। चलो चलते हैं। मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ ना, बिल्कुल आसान काम नहीं है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। थैंक यू मिस्टर जान, वो जो नया फॉर्म है ना उसके लिए हम बड़ा सा बिलबोर्ड ले तो अच्छा रहेगा, है ना? ये लड़की मुझे पागल कर देगी निहा, उसको पता ही नहीं कैसे रहना है। और इसमें ना, इसमें गलती तुम्हारी है, तुम्ही ने उसे सर पर चढ़ा रखा है, तुम्हारी गलती है इसमें। अरे अरे ये क्या बोल रही हो, मेरी क्या गलती है? मैंने उसे कहा कि जाकर उसे किस करे। तुम भी तो उसकी माँ हो, तुम्हें उससे बात करनी थी ना। मैं कैसे बात कर सकता हूँ, उसका बाप हूँ, लेकिन तुम तो माँ हो। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, शुक्र है कि वो लड़का अच्छा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हाँ वो सच में बहुत इमैच्योर्ड है, लेकिन तुम्हें याद है तो कह रही थी कि वो लफंगा है, हमें अपनी बेटी को उससे बचाना चाहिए। ऐसी सारी चीजें मेरे मन में भर थी, क्यों भूल गई वो सारी बातें? बताओ ना, भूल गई क्या? भूल गई? पहले तुम क्या भूले हो उसे याद करो। 30 साल पहले क्या क्या हुआ था जरा उसे याद करने की कोशिश करो। मैं बेवकूफ हूँ जो किचन में इतना काम करती रहती हूँ? मेरी बदकिस्मती है कि तुम जैसा हस्बैंड मुझे मिला है। मुझे ये बताओ इस घर में मेरी क्या कद्र है? है किसी को मेरी परवाह इस घर में? किसको पड़ी है मेरी? मैं काम करती रहती हूँ पर किसी को क्या पड़ी है? यहाँ पर नौकरानी बना के रख दिया है, बस यही कीमत बची है मेरी। और तुम तो एक नंबर के बेईमान हो, बता देती हूँ मैं बेईमान कहा हूँ मैं कभी? क्या भूला हूँ मैं? मैं नहीं आ रही जान। सनम प्लीज आ जाओ। नहीं मैं बस से आऊंगी। सनम अगर तुम 5 सेकंड में गाड़ी में नहीं बैठी तो मैं मिसेस मेलहत को बता दूंगा कि हम प्यार करते हैं और फिर वो तुम्हारी मम को जाके बता देंगे और सब पता चल जाएगा। आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है तो देखो मिसेस मेलहत। अरे हेलो, मुझे हाथ चूमने दो पहले। मैं आपसे बात करने आया हूँ, आपके यहाँ पेस्ट्री मिलेगी क्या? ओह कितना प्यारा इंसान है। नहीं हाँ आपके लिए स्पेशली। हमें चलना है। नहीं नहीं हमें चलना है। नहीं नहीं रुको ना तुम। हम कार में चल रहे हैं। रामी चाय लेके आना। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, हम बाद में आएंगे अभी बहुत बिजी हैं। हाँ सुनो कितनी स्वीट है, मुझे कॉल करना। इसकी बात हम आते हैं। ठीक है देखो मैं अंदर बैठ रही हूँ। हमारे कॉल का इंतजार करूँगी ठीक है? हाँ कितना प्यारा बच्चा है सच में। ऐसे मुंह बना के क्यों बैठी हो? तुम्हें आइडिया भी है तुम कितनी प्यारी लगती हो ऐसे? सब्जेक्ट चेंज मत कीजिए। आपने मेरे पेरेंट्स को क्यों कहा कि मैंने आपको किस किया? उनको पता नहीं कि हम लवर्स हैं, पर अब एटलीस्ट उन्हें एक हिंट तो मिल गई होगी। ये अच्छा ही है ना हमारे लिए, है ना? मैंने कहा था ना, मैंने वादा किया था कि मैं उनसे बात करूंगी। अगर वादा करती हो तो वो मुझ पर ऐसे चिल्लाए जैसे कि मैं छोटी बच्ची हूँ। पता है मुझे मेरी शाम को बैंड बजने वाली है। वो कुछ नहीं कहेंगे, मैं आऊंगा वैसे भी डिनर के लिए। डिनर? हाँ। आप सच में? हाँ सच में। आप धीरे धीरे मेरे परिवार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तुम क्यों परेशान हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं आ रहा, मैं वो डिलीशियस मीट बॉल्स खाने आ रहा हूँ। ठीक है
मॉम एंड डैड की आज वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए मैंने इससे बात की। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, मैं तुम्हारी मॉम के लिए एक बुके लेके आऊंगा। एक दिन आपकी वजह से मैं पक्का फंस जाऊंगी, आई एम 100% श्योर। आप प्लीज बात करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, वरना मैं मुश्किल में आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ध्यान रखूंगा, बस तुम भी ध्यान रखना, ज्यादा एग्जैजरेट मत करना, कुछ गलत नहीं होगा। मैं नहीं, आप करते होंगे एग्जैजरेट। मुझे तो बस मीट बॉल्स दे दो, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं अपने बेटे के लिए चाय लाई हूँ, अब बताओ मेरे बेटे को डिनर में क्या खाना है, बोलो ना, बोलो। आमी, में मैंने हम्बल रहना सीख लिया है मॉम, आप मुझे कुछ भी दीजिए, मैं सब खा लूंगा, कुछ भी। ओ मुजफ्फर, कम ऑन, तुम सिर्फ 3 दिन ही रहे हो वहाँ पर, मिलिट्री ट्रेनिंग तक भी नहीं रुक पाए। वो छोड़ो, उन्होंने मिलिट्री से निकाल दिया तुम्हें, बड़ा बन रहे हो। निकाल दिया? बकवास बातें करना बंद करो तुम, मुझे निकाला नहीं, भेजा गया वहाँ से ताकि मैं एक सिविलियन की तरह लोगों की मदद कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं अच्छे से। तुम देखना मैं अपने देश के बहुत काम आऊंगा। अरे मेरा प्यारा हैंडसम बेटा। मॉम ये आप क्या कर रही है, बस भी करिए, मैं बच्चा नहीं रहा, प्लीज। मैं अब बड़ा हो गया हूँ मॉम, मैं अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करके आया हूँ, अब मैं एक असली ताकतवर मर्द बन चुका हूँ मॉम। मिलिट्री सर्विस पूरी करने की वजह से मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया। क्या बात है, हमारा कमांडर वापस आ गया, वेलकम कमांडर, बहुत मिस किया मैंने आपको, कहा थे कहाँ आप? एहसान भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो तुम, बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक पड़े हो, बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ पर फिर से आ गए? फिर से मतलब, क्या ये पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर? मतलब मेरे जाने के बाद ये मोहल्ले में आकर लोगों को डराते फिर रहे थे? हा? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो मिस्टर एहसान भाई, मुजफ्फर अब इस मोहल्ले में वापस आ चुका है। मुजफ्फर अच्छे से बात करो, जब तुम यहाँ नहीं थे तब मिस्टर एहसान ने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए इनसे ऐसी बात मत करो बेटा, समझ रहे हो? क्या 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 क्या, आपने इस इंसान को मेरी जगह लेने दी? मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था ऐसा कैसे कर सकती है मॉम, मैं 3 दिनों के लिए बाहर क्या गया, इस मोहल्ले का तो पूरा नक्शा ही बदल गया है। ए सुन, मैं बिजनेस के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, तुम 2 मिनट के लिए बाहर आओगी? जाओ। मैं जानता हूँ, वाह 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 वाह, नहीं तुम थू थू करना चाहती हो मुझ पर, सही कहा ना, मैं 3 दिनों के लिए आर्मी के आगे सबने मुझे रिप्लेस करके रख दिया है, एहसान भाई ने मेरी जॉब ले ली, सब कुछ बदल गया है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। सिर्फ जॉब ही नहीं और कुछ भी। क्या कहा? ओ मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुम्हें खांसी हो रही है, तुम मेरी लाइफ को चौहान, कोई सलूशन ढूंढो, कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा सा प्लान बनाओ, कम ऑन आयहान। तो मुझो एक काम करते हैं, मुझो सुनो, जब तुम गए थे पहले मैं जाती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सनम मेरे लिए थोड़ी अच्छी चाय बनवा दो और मेरे कमरे में ले आना, ओके? मेरा सर दुख रहा है एक्चुअली। ठीक है मैं चाय बनाती हूँ, मुझे 5 मिनट। 5 मिनट बहुत ज्यादा है। नहीं गाइस नहीं, मैंने कहा ना हमें रोमांस वाले कॉन्सेप्ट के साथ जाना चाहिए। नहीं डेरिन, हमें एडवेंचर चाहिए, ओके? मैंने तुमसे नहीं कहा ना, मतलब मिस नहीं। डेरिन, क्या आप जरा शांत रहेगी, लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। रोमांस से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? डेरिन रोमांस मर चुका है, तुम्हारा रोमांस का कॉन्सेप्ट सालों पहले एग्जीक्यूट हो चुका है, बहुत कॉमन है, इसलिए हमें कुछ और करना चाहिए। क्या हो रहा है जान सकता हूँ? ओविदो के प्रोजेक्ट पर हमारी थोड़ी बहस हो रही है। मिस्टर जान मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, प्रोजेक्ट के लिए आइलीन रिस्पॉन्सिबल है या मैं? मुझे लगता है मैं हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्या प्रॉब्लम है? जान मुझे लगता है कैंपेन में एडवेंचर होना चाहिए, यंग लोगों को बहुत पसंद आएगा। नहीं, यंग लोगों को रोमांस पसंद आता है, लेकिन प्लीज वो शब्द मत इस्तेमाल करना आइली, क्योंकि जब तुम उसे बोलती हो तो प्यार नजर ही नहीं आता। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करना चाहती हूँ, और जान मैं जानती हूँ कि कस्टमर्स को क्या पसंद आएगा, ट्रस्ट। क्यों ना हम क्लाइंट से ही पूछ लें? हम क्लाइंट से ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। आधे घंटे में मीटिंग है, मीटिंग रूम में मिलो। अब तुम मीटिंग में देखना कैसे तुम्हें हराती हूँ। वाओ तो एडवेंचर हो जाए, आई एम रेडी। नक्चड़ी खड़ूस, हे कहाँ जा रही हो, मेरे साथ कौन आएगा बोलो तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी, चलिए। चलो गाइस, सब लोग अपने अपने काम पर चलो, ऑफिस है ना, तो चलो काम करो, चलो अभी के अभी चलो।
क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं, वो ओविडो ऑटोमेशन कंपनी नई कार बना रही है तो उसका एक एड बनाना है। टारगेट ऑडियंस यंग जनरेशन है तो उसकी थीम क्या होगी, रोमांटिक या एडवेंचर, इसको लेकर इन लोगों में बहस चल रही थी। रोमांटिज्म भी? दिमाग खराब हो गया सनम, दिमाग खराब है तुम्हारा, देख नहीं सकती तुम कंपनी की हालत। एक तरफ है डेरिन और दूसरी तरफ है एलिन, दिख रहा है ना बंटवारा हो गया है सब। शांत हो जाओ मेरे यार, चलो आओ मेरे साथ एक एक चाय पीते हैं और मुझे अयान के बारे में भी कुछ। नहीं नहीं, उसका नाम मत लो यहाँ। नहीं तो फिर मैं मिस्टर जान के बारे में नहीं बात सने, बिल्कुल नहीं, मेरा मूड अभी ठीक नहीं है। सुनो मैं चाह रहा हूँ किस वाली बात को ज्यादा मत सोचना, किसका किस्सा भूल जाओ ठीक है? नहीं निहात नहीं, एक आदमी को किस करने का मतलब मैं नहीं भूल सकती, बिल्कुल नहीं। नहीं मैं दूसरी चीजों के बारे में सोचूंगी, पर ध्यान तो वही जाएगा ना। तुम किस बारे में सोचोगी भला? तुम हमेशा सवाल क्यों पूछते रहते हो, जाओ अब। मैं अपनी बेटी की आंखों में देखूंगी और मुझे पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। मेलियाद, हाँ? तुम्हारे पास स्मार्टफोन है ना, मुझे एक वीडियो कॉल करना है। सिर्फ तुम्हारे पास ही स्मार्टफोन नहीं है। मेलियाद बस करो, मैंने कहा ना बस करो, हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। हाँ। लाओ मुझे फोन दो। हाँ? अच्छा सुनो ना, रेमी से जरा चाय का ऑर्डर करो ना, चाय पीते हुए तुम्हें बहुत सारी गपशप बतानी है। सच में कोई गुड न्यूज है क्या? हाँ चलो। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस फोन को समझने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। जैसे कि चाय को रॉ मेड और चाय बहुत पसंद है। सनम चुप, ये बातें मत बताओ प्लीज। हाँ ठीक है, अयहान को ये सब पसंद नहीं है। सनम अब ये मेला हाथ आंटी वीडियो कॉल क्यों कर रही है, मेरी मॉम ही होगी अब ये मेरे ऐसे पीछे पड़ने वाली है। मैं जाता हूँ वरना वो मेरे कपड़ों को भला बुरा कहेंगी, मैं ये झेल नहीं पाऊंगा। नहीं ऐसा मेरा कुछ नहीं होगा, दिल टूट जाएगा। हाँ मॉम। सनम मुझे तुमसे बात करनी है। अब मैंने क्या कर दिया? मैंने खुद को रोकने की कोशिश की पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मुझे बताओ तुमने मिस्टर जान के गाल पर किस किया था? मॉम वो तो ऐसे ही खुश थी तो हो गया वो खुशी में। तो बेटा अगर अपने पापा को किस करती थी वो ज्यादा अच्छा होता। सही कहा। माँ को किस करती थी तो तुमने जाकर अपने बॉस को किस कर दिया। हाँ सही कहा पापा। तुमसे ये बातें करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, बहुत गलत बात की है तुमने। मैं सबसे कहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, स्मार्ट हो, और जो तुम करती हो तुमने मिस्टर जान को भी मुश्किल हालात में डाल दिया है। ठीक है मैं फिर से नहीं करूंगी। फिर से मत करना ठीक है, समझे ना? मैंने कहा ना पापा फिर से नहीं करूंगी, अब मुझे काम करने दो। हाँ आती हूँ, मीटिंग में जाना है पापा, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। क्या बात है, मुझसे कहते हो मैं बहुत बातें करती हूँ, तुम भी तो किसी से कम नहीं हो इसमें। मैं तभी बात करता हूँ जब जरूरी हो मेव के में। तुम भी सीख लो, बड़े फायदे में रहोगी, समझी ना? मुझे फक्र है तुम पर, काश तुम्हें जो याद रखना था वो याद रख पाते, पर ऐसा रखना था। मिस्टर निहात आप चाय लेंगे? नहीं मुझे शॉप पर जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया, जाता हूँ। अच्छा हाँ बोलो क्या बोलना है बताओ जरा। अरे मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे शेर बच्चे, मेरे बहादुर बच्चे, क्या हुआ मेरे शेर बच्चे को? नहीं नहीं, आप उसके साथ काम नहीं कर सकती, वो एक नंबर का चीटर और घटिया आदमी है। आप ऐसे आदमी के साथ काम नहीं कर सकती है मॉम, वो एहसान फरामोश है, चोर है वो, आपको लूट लेगा मॉम, आपके पैसे, आपकी ज्वेलरी, सब कुछ लूट लेगा वो। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? इधर आओ मुसफ्फर, बातों में थोड़ा इमोशन लाओ ना, ये क्या नॉर्मली बस गंदा है, चोर है बोली जा रहे हो, कम ऑन, ऐसे तुम उन्हें कभी कन्विंस नहीं कर पाओगे। मैं बहुत अपसेट हूँ, कसम से उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ओहो तो क्या हुआ, तुम बाहर थे, मैं यहाँ अकेली थी इसलिए मैंने मदद मांग ली, क्या पहाड़ टूट पड़ा? अरे नहीं यार, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मेरा सौतेला बाप बन जाएगा। अरे बापरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है मुझे पता है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, मैं बहुत अपसेट था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं अपने शब्द एक अच्छे इंसान की तरह वापस लेता हूँ, पर मुझे सिर्फ एक ही चीज शांत कर सकती है और वो है मेरी और सनम की शादी। क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत हो गया, अब मेरे और सनम के बीच में कोई नहीं आएगा, हम शाम को वहाँ जाएंगे और सनम को आपकी बहू बनाकर वहाँ से यहाँ लाएंगे, बहुत हो गया। ठीक है सुनो आयहान तुम चलो, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ।
मिस्टर एमरे, ये बायोआरटी की बजट रिपोर्ट है, ये लीजिए। ओह थैंक्स, मेरे बोले बिना तुमने इसे प्रिपेयर कर दिया। यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच। और ये रही दूसरी रिपोर्ट आपके काम की है, जो अगर कुछ और काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। लैला प्लीज तुम यहाँ मेरे पास बैठो। मैंने नोटिस किया जब से हम डिनर पर गए हैं तब से तुम थोड़ी स्ट्रेस में हो। नहीं तो मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लैला मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ, झूठ मत बोलो मुझसे। देखो मैं यहाँ सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वहां लेकर गया था और उन बातों को शेयर किया जो मैंने अपनी फैमिली से भी छुपाई है। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए जरा मुश्किल है, लेकिन ये बिजनेस है, तुम्हें इसकी आदत डालनी ही होगी। प्रोफेशनल लाइफ में ये सब चीजें तो होती ही रहती हैं। मिस्टर एमरे मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे इन चीजों की आदत बिल्कुल भी नहीं है, पर मैं सच कहूँ तो ये मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। सुनो लैला, तुम बहुत होशियार हो और तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, बस तुम्हें बिजनेस की बारीकी सीखनी है। तुम्हें हर पहलू को समझना ही होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगी। ठीक है ना? ठीक है। चलो अब हम अपना काम करते हैं। एक फिस्ट बम दो मुझे तो मैं चलती हूँ, मुझे काम करने हैं। सुनो मुजफ्फर, क्या मैं तुम्हारी करीबी दोस्त नहीं हूँ क्या? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? तुम और सनम दोनों एक नहीं हो सकते। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मुझे बस अपनी इमेज उसके सामने ठीक करनी है, फिर तुम देखना वो मुझे जरूर पसंद करने लगेगी। मुझे बस किसी भी तरह जॉन डेविड जैसा बनना होगा, एक परफेक्ट इमेज बनानी पड़ेगी मुझे उसके सामने। मैं तुम्हें हरा दूंगा जॉन डेविड। सही है, उसके लिए तुम्हें बदलना होगा, वो भी एक बहुत जरूरी बदलाव। हाँ तुम्हें खुद को चेंज करना पड़ेगा। चलो तुम्हारी प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं और एक सलूशन ढूंढते हैं। हाँ चलो चलते हैं। चलो। वो भूल गया मेरे हाथ, वो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भूल गया। उसे याद ही नहीं है कि मैं चीजें क्यों बना रही हूँ किचन में। वैसे मैं अपने बाल क्यों बनवा रही हूँ? मेरी तो किसी को पढ़ी ही नहीं है, किसी को मेरी कीमत ही नहीं पता। नहीं, वो कभी नहीं भूल सकते, तुम्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इतना तो सालों से देखते ही आ रही हूँ मैं, देख लेना। पता नहीं मेरे हाथ। अरे आज मैं तुम्हारे बाल कुछ अलग ही बना दूंगी, देख लेना। मैं इस पार्ट को लेकर इसको कर्ल कर दूंगी और इन्हें ऐसे बांधूंगी, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तुम ऐसे बाल रखोगी तो तुम सच में बहुत अच्छी लगोगी, और देख लेना आज तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा सच में। देखो मेरे बाल ना पहले से ही कर लिए हैं, तो कर्ली करके कोई फायदा नहीं। देखो मैं बताती हूँ, इन बालों को ना ऐसे लेके यहाँ सेट करो, ठीक है? ऐसे इस तरफ ऐसे रहेंगे ना तो लगेगा कोई आ रहा है, मेरा चेहरा भी दिखेगा और लगेगा कि मैं कुछ हूँ, मेरी कोई कीमत है। समझ रही हो ना मेरी? समझ गई, समझ गई, बहुत अच्छा समझ गई। लेकिन एक और आसान तरीका है, मैं जाकर उसके कानों में बता देती हूँ और फिर वो तुम्हारे। नहीं नहीं जरूरत नहीं है, मुझे देखना है कि उसे याद है या नहीं, मुझे ये देखना है अपनी आँखों से। तुम रहने दो, देखेंगे आज क्या होता है मेरे हाथ। कभी हम अच्छे कपल हुआ करते थे, आज तो प्यार ही नहीं बचा है हमारे बीच में। क्या मैफ की बे, तुम भी ना, ऐसा नहीं है। अच्छा सुनो मेरी बात, एशली जरा इधर आना, मेरी दोस्त के लिए एक बढ़िया सी कॉफी बना कर लेकर आओ, मैफ की बे के लिए, ठीक है ना? अच्छा रुको रुको रुको, एक काम करो, तुम एक चाय बना कर लेकर आओ, उसको गर्म पानी में अच्छे से उबाल कर लेकर आओ। जाओ और जल्दी लेकर आओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुम कितनी रिलैक्स हो जाओगी देखना, तुम एकदम खुश हो जाओगी सच में। इसका मतलब मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, यही कहना चाहती हो ना तुम मेरे हाथ? यही कहना चाहती हो ना? मेफ्की बे, मेरे हाथ तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? हे ऊपर वाले, तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है मेफ्की बे? क्या तुम अपने हस्बैंड को नहीं जानती? वो कुछ भी नहीं भूले होंगे, बहुत हो गया, चलो अब रोना बंद करो। अच्छा ये देखो, मैं एक परफेक्ट हेयर डिजाइन बनाती हूँ तुम्हारे लिए, फिर देखना आज तो निहात और पूरा मोहल्ला सब तुम्हें देखता ही रह जाएगा। तो ऐसा, कुछ तो ऐसा बना दो कि मुझे देखकर उसके होश उड़ जाए, सब देखते रह जाए कि ये क्या हो गया। बहुत मजा आएगा आज। मिस्टर जान आपकी चाय।
सनम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। मिस्टर जान मत बुलाया करो मुझे। जान, अभी से याद रखूंगी जान। आओ बैठो, चाय पीते साथ में। हाँ हाँ बिल्कुल, चाय पीते हैं। सही है, आइए बैठ जाइए। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर वक्त अपने साथ देखना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे ही ख्यालों में डूबा रहता हूँ। मैं भी, मैं तो खुद से बात करती हूँ। अगर कोई सुन लेगा तो उसे लगेगा कि मैं पागल हूँ। मिस्टर जान तो यहाँ नहीं है, चलो चलते हैं। क्या हुआ जेजे? अरे ओए बार बार, वो मैं गलती से घुस गया, तुम मुझे गलत। मैं आता हूँ, ठीक है। इसे क्या हो गया? अभी मीटिंग है ना, तो मिस्टर जान सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। चलिए। अच्छा ऐसा, ठीक है मिलते हैं। शायद यही कहा होगा। जे जे अब बताओ आराम से, क्या प्रॉब्लम है? मैं सुनूंगा, बोलो ना। हाँ बोलो। सरेम, क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं मिस्टर एमरे, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। तुम नहीं चाहते, सुनकर अजीब लगा। क्या दिख रही है? हेलो निहात, तुम्हारा दिन कैसा गया आज? आज कुछ ज्यादा कस्टमर्स नहीं आए मेव के बे, आराम से दिन चल रहा है। वैसे मेव के बे, तुम इतनी सच धज के क्यों आई हो? कुछ है क्या? सच धज के कहा? मैं नहीं, तुम नहीं? मतलब तुम एकदम अलग लग रही हो, एकदम रानी की तरह। वाकई में मैं क्या कहूँ अब? बेके बे, तुम्हारे हाथों से मीट की खुशबू आ रही है। सच में? मैके बे तुम यही रुको, मैं अभी घर जाकर आता हूँ। अरे पर तुम कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? हम तो बातें कर रहे थे ना, तो अचानक ये छोड़ के कहाँ जा रहे हो? पहले तुम ऐसे नहीं थे और अब तुम मुझे अचानक छोड़कर चले जाते हो। ऐसा क्यों करते हो तुम निहाल? हमारे बीच प्यार नहीं रहा। मैके बे मुझे भूख लगी है, खाना खा कर आता हूँ, अभी आया, बस दो मिनट। अच्छा मतलब खाना मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आज। इसे हमारी शादी की सालगिरह भी याद नहीं रही और इन हाथों की वजह से सब गड़बड़ हो गई। अब ये मुझे प्यार नहीं करता, जरा भी नहीं करता। और ये हाथों की बदबू, सब गड़बड़ हो गया। देखो कस्टमर्स को ओवीडियो की नई कार देखकर रिलेट होना चाहिए। आई थिंक आजकल की जनरेशन को एडवेंचर चाहिए, थ्रिल चाहिए, वो एक्साइटमेंट। उनके लिए अब ओल्ड स्कूल रोमांस आउट हो चुका है, वो ट्रेंड में नहीं है। मेरे थोड़े अपोजिट व्यूज हैं। हमारी टारगेट ऑडियंस यंग कपल्स हैं, वो लोग रोमांस, प्यार और सुकून से ज्यादा रिलेट करेंगे। अब तुम्हें बताओ, नए कपल्स क्या जंगल में बंजी जंपिंग करने जाएंगे या फिर बीच पर सनसेट देखेंगे? तुम बेकार के एडवेंचर्स क्यों करना चाहती हो, बताओ तो। Enough guys, हम कब से इसी बात पर बहस कर रहे हैं। ओके अब सब लोग बताएंगे कि रोमांस चाहिए या एडवेंचर चाहिए।
ओके, एडवेंचर वाले सारे हाथ खड़े करें अपने। ओह वाओ, देखो 8 वोट्स मिले हैं। और रोमांटिक स्टोरी किसे चाहिए? हाथ क्यों नहीं उठा रही? देख क्या रही हो, वोट करो ना। क्या? मैंने सुना नहीं। रोमांस या एडवेंचर, जल्दी से चुनो। ओके, रोमांस के लिए 7 वोट मिले हैं। रोमांस के लिए वोट करो, रोमांस के लिए वोट करो, जल्दी हाथ ऊपर करो। मुझे भी रोमांस वाला कॉन्सेप्ट सही लगा। That's it. हम दोनों पे कॉन्सेप्ट सोचेंगे, ओके? वेल, इसमें सोचने की क्या बात है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है। 18 से 25 साल के 6 कपल्स ढूंढो और उनका एक ग्रुप फॉर्म करो। रिसर्च करो कि उन्हें क्या पसंद है, रोमांस या एडवेंचर। अच्छा ठीक है, समझ गई, पर हम रिसर्च करेंगे कहाँ पर? अम्यूजमेंट पार्क। द मीटिंग इज ओवर गाइस, मिलते हैं जल्दी। क्या अम्यूजमेंट पार्क? हम कार रेसिंग कर पाएंगे। मेरा कब से मन था कार रेसिंग करने का। गाइस, तुम लोग एक्साइटेड हो ना? क्या बात है, मजा आने वाला है। देखिए, मुझे लगता है ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे डैड का कॉल है। ठीक है। हेलो डैड। सेनम, मुझे तुम्हारी मॉम को एक अच्छा तोहफा देना है, उसके लिए एक पोएम लिखनी है, मेरी मदद कर दो ना बेटा। डैड, क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? सुनो सेनम, मैं अभी बहुत ही इमोशनल हूँ, मुझे एक अच्छी पोएम लिखनी है, पर मैं एक बुरा लेखक हूँ। मुझे बचपन में पोएम लिखने में 0 मार्क्स मिलते थे। हाँ, मैं बहुत बुरा था पोएम में। डैड, मुझे भी यही प्रॉब्लम था, पर मैं कोशिश करती रहती हूँ। नहीं, नहीं 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 नहीं, तुम मेरे जैसे नहीं हो सरम, तुम एक राइटर हो, मेरी मदद करो ना। तुम्हारी तो स्क्रिप्ट को प्राइज भी मिला है और उसकी शूटिंग भी हुई है। मेरी डायरेक्टेड बच्ची हो तुम, राइटिंग में बेस्ट हो, फिर से अपने बारे में ऐसा कभी मत कहना। खुद को डीमोटिवेट बिल्कुल मत करना, समझी ना? ठीक है डैड, आपको कैसी मदद चाहिए? ओ, तुम्हारी मॉम रात के लिए बहुत सारी डिशेस बनाने वाली है और यहाँ मुझे 3 लाइनें लिखने के लिए नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ, बताओ ना बेटा, मेरी मदद करो ना बेटा। डैड, खुद पर भरोसा रखिए, आप ये कर पाएंगे। अच्छा सुनो बेटा, तुम मेरी तरफ से कुछ लिख दोगी? मैं, डैड, मैं पोएट नहीं हूँ, और वैसे भी वो पोएम आपको लिखनी चाहिए, आपको पता है ना, मॉम कब से उस पोएम का इंतजार कर रही है। और वैसे भी उसमें आपके फीलिंग्स दिखने चाहिए, आपके इमोशंस होने चाहिए, और भला वो पोएम मैं कैसे लिख सकती हूँ? डैड, आप ये कर सकते हैं। तो तुम मेरी मदद नहीं करने वाली? नहीं डैड, देखिए ये एक स्पेशल मोमेंट है, आप बैठिए, रिलैक्स कीजिए और गाना सुनते सुनते कुछ लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, रात में खाने के लिए मिलते हैं, अब मैं फोन रखता हूँ बेटा। ठीक है डैड, आप ये कर सकते हैं, मुझे आप पे भरोसा है। हाँ बेटा। Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.